हे गाइस नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, यानी सीताफल की सब्ज़ी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कद्दू मैंने कट कर लिया है और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने लगा दिया है देसी घी और थोड़ा सा और लगा दूँगी इसमें थोड़ी सी हींग और सूखी साबुत मिर्च और लगाऊँगी इसमें मेथी। और इसे मैं कच्चा ही इसे छौंकने वाली हूँ, तड़का लगाने वाली हूँ कच्चा। और मैंने लगा दिए हैं साबुत मिर्च के टुकड़े कुछ, और अब इसे फ्राई करते हैं। अभी डालूंगी मैं इसमें सीताफल, फिर मैं जो मसाले डालूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मसाले ऐड करूंगी। अभी इतने मसाले बस। अब इसको मिक्स करके और ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और पानी इसमें लगाना नहीं है। जो नमक लगाएंगे हम उससे इसका मॉइस्चर बन जाएगा और उसी में ये सब्ज़ी बन जाती है, तो पानी लगाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो देख लेते हैं अब सीताफल। देखिए अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है और गल गया है, हल्का सा गला है, अभी ज़्यादा सही से बना नहीं है। तो अभी इसे फिर से मैं इसको मिक्स करके एक बार ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए सीताफल की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है। देखिए अब बन गया है, अच्छे से बन गया है, और देखिए कितना अच्छा, मतलब मैं पूरा इसको मैश नहीं करती हूँ, पूरा मैश करके अच्छा नहीं लगता है सीताफल, और ऐसे ही अच्छा लगता है पूड़ियों के साथ, पराठे के साथ। और अब इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी आमचूर का पाउडर, क्योंकि हमें खट्टा मीठा अच्छा, ये खट्टा अच्छा लगता है। कच्चा वाला मैंने कद्दू बनाया है, और अगर पका हुआ बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी गुड़ या चीनी डालते हैं हल्का सा, ताकि वो खट्टा मीठा बन जाए। और ये जो है इसे खट्टा ही बनाते हैं हम लोग, तो मैंने आमचूर डाल दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। और चटपटा सा कद्दू की सब्ज़ी बनकर रेडी है, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चाहे आप चपाती से खाएं, चाहे रोटी से खाएं, या पूड़ी से खाएं, सबसे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, कमेंट ज़रूर से क्या करें, और वीडियो शेयर भी ज़रूर से करें, एक लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।